हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं आज छोटा सा फ्लावर बनाने बताऊंगी। इसके लिए 7 नंबर का क्रोशेट और एक थ्री प्लाई ऊन और लिया, और एक सुई लगेगा बस। और इसके लिए एक पीस मोती। तो मैं आप लोग को शुरू करती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। ये मेरी एकदम थ्री प्लाई ऊन है। थ्री प्लाई जिसको कहते हैं ना, पतली वाली ऊन है, इसलिए इसको 8, 9, 10 बार ले रहे हैं। अगर 4 प्लाई आपका ऊन हो तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। ये 4 प्लाई से भी बना सकती हैं, 3 प्लाई से भी बना सकती हैं। ये फूल उभर के बहुत सुंदर दिखता है बनने के बाद। देखिए, ऐसे करने के बाद इस वास्ते से अपनी उंगली से बाहर कर लीजिए। देखिए, इसमें ऐसे करना बस, सिंगल क्रोशिया से करते जाना है। मैं ये पूरा बना चुकी हूँ, मेरा ये पूरा हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। हो गया ना स्लिप स्टिच। अब यहाँ मेरे को कट नहीं लगाना, यहाँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, सिल लेंगे ऐसे। फिर ऐसे किया इसमें, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये 7 देखिए मेरा हो गया, 7, 8 बार कर लूँगी। आप अपने हिसाब से, ऊन के हिसाब से किया कर लेंगे। आप काउंट कैसा है, मोटा पतला, आपको कैसा फूल चाहिए। देखिए, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ मैं इसको कट लगा दूँगी। कट लगा दी तो देखिए, ये मैं बना चुकी हूँ 5। और मैं आप लोगों को दिखा कैसे इसको जोड़ना है।
कि एक्स्ट्रा सोते हैं जैसे कट करके निकाल बाहर कर दें। मैं इसको बांध देती हूँ। हम इसको कुर्सी से इस तरीके से कहीं भी इसको ऐसे फंसा देना है। सूती को मैं कट कर लूंगी, इसको मैं एक मोती रख देती हूँ। ऐसे बना लिए। बोलिए फ्रेंड्स, मेरा कैसा लगा ये फूल? आप मेरा फूल को कमेंट करें, देखें ज़रूर, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।